नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है रेल हब यूट्यूब चैनल पर। ये माला पुल की ताज़ा अपडेट, ये आज 9 मार्च की अपडेट है। आप देख पा रहे होंगे लेबर लगी हुई है, सामने माला की दिशा है और जो लोहे वाले स्लीपर्स होते हैं गर्डर पे वो रख लिए गए हैं। अब उन पर रेल्स डाली जा रही हैं। आप देख पा रहे होंगे भारी भरकम ये रेल्स होती हैं, इनको खिसकाना आसान नहीं होता है। तो बड़े बड़े सरिये बेलचे इनकी सहायता से इनको खिसकाया जा रहा है। नपाई भी आप देख पा रहे होंगे चल रही है बराबर, और इस पुल के ऊपर से होते हुए ये रेल्स जाएंगी आगे माला की दिशा में। ये देखिए बराबर फीता रख के नपाई हो रही है, और बस लास्ट में जो गर्डर का लास्ट एरिया है वहाँ पर रेल सेट करने बाकी हैं। पुर्जे टाइट किए जा रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे चक रेल्स वगैरह, रबड़ की पट्टियाँ वो सब रख ली गई हैं। जो रेल्स हैं वो देखिए आप लगभग लगभग फिट कर ली गई हैं। अब उनको बस कसने का कार्य यहाँ पर तेज़ी से किया जा रहा है। और जो सपोर्टिव रेल्स होती हैं पुल के ऊपर, जो आप देखते होंगे दो प्रकार की पटरियां उस पर होती है, एक तो मेन होती है जिस पर हमारी ट्रेन चलती है, और एक अंदर की तरफ होती है जो उसको सपोर्ट बना के रखती है। वो सपोर्टिव वाली रेल्स लगनी अभी बाकी हैं। और ये देखें आप, तो ये माला पुल की अपडेट है। सामने दूसरा गर्डर है जो बाद में रखा गया, उस पर भी देखें आप रेल्स फिट कर ली गई हैं, पटरियाँ डाल दी गई हैं, कसने का कार्य बाकी है। जो फिनिशिंग टचेस होते हैं वो दिए जाने बाकी हैं। नीचे आपको क्रेन भी वर्क करते हुए दिखाई दे रही होगी, उसकी सहायता से इस रेल्स को ऊपर पहुंचाया जा रहा है। तो ये बड़ी अपडेट माला नदी के पुल से 9 मार्च की अपडेट है, और हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी इसका कार्य पूरा हो जाएगा, और CRS निरीक्षण के बाद हमें बहुत जल्द रेल संचालन की भी खुशखबरी मिलेगी। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा।